कुकर में बनाए मटर पनीर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम कुकर में मटर पनीर बनाने वाले हैं। हेलो इंडिया स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पनीर की एकदम लाजवाब चटपटी सी रेसिपी, और इसे हम कुकर में बनाने वाले हैं। और यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारा जो पनीर है वो कितना सॉफ्ट है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है, इसको क्यूब्स में काट लिया है, और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें हम इसके ऊपर अच्छे से डालेंगे और मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि जो पनीर है वो नमक और लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले, ताकि जब हम इसकी सब्ज़ी खाएँ तो वो फीकी फीकी ना लगें। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसको रख देते हैं साइड में 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम एक कुकर ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे हाई पे, और अब हम इसमें केवल 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल इस समय कम ही डालेंगे, ऑयल को अच्छे से कुकर में फैला देंगे इस तरीके से, और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआं उठता हुआ गर्म हो गया है, तब हम इसमें ये पनीर के पीसेस डाल देंगे। दोस्तों इस समय ऑयल अच्छा से गर्म होना चाहिए, तभी आप इसमें पनीर के पीसेस डालिएगा और तुरंत ही इसको हिला दीजिएगा। अगर आप ठंडे तेल में पनीर के पीसेस डाल देंगे तो पनीर हो सकता है चिपक जाए। दोस्तों ये बिल्कुल वन पॉट रेसिपी है। इस तरीके से आप पनीर को अगर फ्राई करेंगे तो पनीर ऑयल भी कम एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा आपका केवल एक ही बर्तन लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर के ऊपर हल्की हल्की कोटिंग सी आ गई है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्लेम इस समय हमने घटा करके बिल्कुल लो से मीडियम पे कर दिया है, ताकि हमारे पनीर के पीसेस के ऊपर जो कोटिंग है वो बिल्कुल गोल्डन ही बनी रहे। तो अब हमने कुकर में फिर से 1 टीस्पून ऑयल और डाल दिया है, और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ते डाल दिए हैं, 1 मोटी इलायची डाल दी है, और 2 हरी इलायची डाल देंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे, ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब हम इसमें 2 प्याज डाल देंगे बारीक कटे हुए। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर बारीक कटे हुए। तो दोस्तों प्याज और टमाटर को आप चॉपर में भी काट सकते हैं, या फिर मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में भी डाल करके पीस सकते हैं। टमाटर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप फ्रेश मटर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने अच्छे से जेनरसली मटर का इस्तेमाल करा है। मटर को मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों जब भी हम कढ़ाई में मटर पनीर बनाते हैं तो हमें पहले मसाले को अलग से भूनना पड़ता है, फिर उसको पीसना पड़ता है, मटर को अलग से उबालना पड़ता है। मगर अगर आप इस तरीके से इसको जब कुकर में बनाएंगे तो ये सारे के सारे जो मसाले हैं प्याज टमाटर, ये एक सीटी में अच्छे से गल भी जाएंगे, मटर भी उबल जाएगा, और आपका पनीर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है करीबन 1/2 कटोरी पानी। दोस्तों पानी टोटली आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिस तरीके से आप सब्जी को खाना पसंद करें। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घर की मलाई डाल देंगे। दोस्तों मलाई इसमें डालना टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं पसंद हो तो मत डालिएगा। मलाई को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और इसको हाई फ्लेम पे 1 सीटी दे देंगे। 1 सीटी आने के बाद हम कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा कुकर ठंडा हो चुका है, और हमारे जो ये मटर है वो अच्छे से गल चुकी है, हमारे मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे पहले हम खड़े मसाले निकाल देते हैं सब्ज़ी में से। तो यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई है। तो अब हम इसमें ये फ्राई करा हुआ पनीर डाल देंगे, और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, जिस भी हिसाब से आपको पानी चाहिए हो आप इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो दोस्तों पनीर को हमने नमक मिर्च लगाकर फ्राई तो कर लिया था, तो ये फीका तो नहीं लगेगा, मगर अभी हमें ग्रेवी के जो फ्लेवर्स हैं वो भी हमें पनीर के अंदर अच्छे से इम्बाइब करने हैं। तो अब हम इसको ढक करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे,
और 5 मिनट बाद हमारी सब्जी बिल्कुल डन है। दोस्तों पनीर डालने के बाद बहुत देर तक सब्जी को नहीं पकाना होता है, वरना जो पनीर है वो च्यूई हो जाता है, थोड़ा सा रबरी सा हो जाता है। तो अब हम इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देते हैं, फ्लेम को कर देते हैं बंद और फिर इसको सर्व कर देते हैं। तो दोस्तों इस बार जब आप मटर पनीर बनाइएगा तो इसी तरीके से बनाइएगा, आपको किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल एकदम लाजवाब मटर पनीर बन करके तैयार होगी। अभी के लिए बता लेते हैं, एंजॉय।